जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, श्री युवा डिजिटल क्लास भावनगर में हूँ कौशिक पंड्या आप सर्व मित्रों स्वागत करू छू। मित्रों, युवा डिजिटल क्लास भावनगर मध्यम थी हवे तमे लोको घरे बैठा आपना अनुकूल समय गुजरात सरकार द्वारा लेवानार कोईपण स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करी शकशो। जेना माटे मित्रों युवा डिजिटल क्लास में आगामी समय में आवनार भर्तीओ माटेना वीडियो कोर्स तमने उपलब्ध छे। जे वीडियो कोर्स में बात करिए मित्रों तो सौ प्रथम MPSW FSW और SI माटेनो वीडियो कोर्स, त्यारबाद तो के पंचायत मंत्री तलाटी कम मंत्री और जुनियर क्लार्क माटेनो, बिन सचिवालय माटे क्लास 3 माटेनी जनरल बेच पण उपलब्ध छे। त्यारबाद नायब चिटनीश, मुख्य सेविका, ग्राम सेवक, स्टाफ नर्स, आर्मी, रेलवे विभाग की विविध भर्तीओ, लोकरक्षक, फॉरेस्ट अने PSI परीक्षा माटे अति थी अति उपयोगी वीडियो कोर्स मित्रों युवा डिजिटल क्लास में हवे तमने मळशे। हवे आना उपरांत मित्रों जो आपणे लागे कि आपणे तैयारी कम्प्लीट करेली ज छे पण कोई एक विषय छे ए आपणे मूंझवी रह्यो छे अने आपणे एकज विषय भणवो छे मित्रों तो अमे तमने एनो विकल्प पण उपलब्ध करायो छे। एटले के युवा डिजिटल क्लास में मित्रों विषय वाइज वीडियो लेक्चर ना कोर्स पण उपलब्ध छे। ए विषय वाइज कोर्स ने पण तमे परचेस करीने तमने अघरा लागता विषय ने एकदम सरळताथी अने एकदम पायाथी समझी शकशो। जेमा गुजराती व्याकरण छे, अंग्रेजी व्याकरण, गणित रीजनिंग नो कोर्स, सांस्कृतिक वारसो, बेसिक गणित, हेल्थ माटेनो स्पेशल हेल्थ नो कोर्स, भूगोल, कॉम्प्यूटर, कायदो, विज्ञान, पंचायतीराज, बंधारण जेवा तमामे तमाम विषयोना वीडियो कोर्स विषय वाइज पण उपलब्ध छे जेनो पण तमे अभ्यास करी शकशो। अने साथे ने साथे मित्रों युवा करियर एकेडमी द्वारा प्रकाशित तमामे तमाम पुस्तको पण उपलब्ध छे जे वाँचीने पण तमे तैयारीने आखरी ओप आपी शकशो। मित्रों आजे आपणे मळ्या छीए, आपणे जे पहला लेक्चर में बात करी थी एवी आपणी लेक्चर सीरीज के जे युवा करियर एकेडमी भावनगर द्वारा तैयार करवामां आवी छे, शुरू करवामां आवी छे अने ए लेक्चर सीरीज छे लोकरक्षक अने PSI माटे अति उपयोगी लेक्चर सीरीज कड़कड़ाट कायदो। आ कड़कड़ाट कायदो लेक्चर अंतर्गत मित्रों आना पहला आपणे एक सेशन अभ्यास कर्यो हतो जेमां मैं तमने त्रणेय कायदाओनी बेजिक माहिती आपी हती कि IPC कायदानुं पूरुं नाम शुं होय, कायदो घड़नार कोण, कायदो केटला विस्तारमां लागू पड़े, कायदो क्यारे पसार करवामां आव्यो, कायदो क्यारे अमलमां आव्यो, केटली कलमो, केटला प्रकरणों, केटला पेटा प्रकरणों छे, कायदानो क्रमांक केटला वगैरे जेवी तमाम बाबतोनी मित्रों आपणे माहिती मेळवी चूक्या। त्यारबाद आजना लेक्चर में मित्रों आपणे बीजू सेशन एटले के टेबल बेना माध्यम थी कायदा पंच विषयनी माहिती मेळवीशुं। शेनी माहिती मेळवीशुं भाई? कायदा पंच विषयनी माहिती। हवे आपणे सवे याद राख्यु होय कि 1834 कायदा पंच आव्युं हतुं, तो मित्रों आजादी पहेला केटला कायदा पंच आव्या था अने आजादी बाद केटला कायदा पंच अगत्यना छे एना विषयनी माहिती कड़कड़ाट कायदो लेक्चर सीरीज अंतर्गत। तो जोईए मित्रों, सौ प्रथम बात करिए मित्रों कायदा पंच, कायदाओनी रचना करवा माटे, कायदाओमां सुधारा वधारा करवा माटे आ पंचनी रचना करवामां आवती होय, निमणूक करवामां आवती होय। तो आजादी पहला केटला कायदा पंच हता अने आजादी पछी केटला अगत्यना कायदा पंच जे आपणे याद राखवा पड़े। दरेक वखते एवुं नथी मित्रों के पहेलुं कायदा पंच ज आपणने पूछे, क्यारेक हालनुं कायदा पंच पण पूछी ले, अथवा तो आजादी पछी पहेलुं कायदा पंच क्युं हतुं एना विशे पण तमने पूछी लेवामां आवे। दरेक वखते 1834 ज पूछाय एवुं जरूरी नथी, जेना माटे मित्रों अमे तमारा माटे जेटला अगत्यना कायदा पंच हता एना विशेनी माहिती लाव्या। अने साथे हुं तमने प्रश्न पण पूछीश के जे कायदा पंच विशेनी माहिती तमे तमारा जाते मेळवशो जेथी करीने तमे सरळताथी तैयार करी लेशो। तो बात करिए मित्रों आजादी पहला प्रथम कायदा पंचनी, तो हमणां ज आपणे जोयुं के पहेलुं कायदा पंच 1834 में आव्युं हतुं जेना अध्यक्ष हता थॉमस बेबिंगटन मेकोले, एटले के लॉर्ड मेकोले। त्यारबाद बीजुं कायदा पंच आव्युं हतुं 1853 में, क्यारे आव्युं हतुं भाई? 1853 में, जेना अध्यक्ष हता लॉर्ड रॉमिली। कोण हता? लॉर्ड रॉमिली। त्यारबाद त्रीजुं कायदा पंच आव्युं हतुं 1861 માં, જેના અધ્યક્ષ પણ કોણ હતા? લોર્ડ રોમિલી।
तो बीजू कायदा पंच 1853 में आयु जेना अध्यक्ष था लॉर्ड रोमिली, तीजू कायदा पंच 1861 में आयु जेना अध्यक्ष पण लॉर्ड रोमिली हता, अने त्यार बाद चौथु कायदा पंच आयु 1879 में जेना अध्यक्ष था व्हिटली स्टॉक्स के जेने इंडियन एविडेंस एक्ट नो मुसद्दो सौ प्रथम तैयार करेल जे हेनरी मेलिनी हता एना मुसद्दा नी टीका करी थी ए व्यक्ति व्हिटली स्टॉक्स के जे चौथा कायदा पंचना अध्यक्ष हता अने जे कायदा पंच 1879 मां निमवामां आव्यु हतु। तो मित्रों आ आपणे जोया छे आजादी पहेलाना अगत्यना कायदा पंच, तो के आवा चार कायदा पंचो। त्यारबाद मित्रों हवे वात करीए आजादी पछीना कायदा पंचो विषे। तो आजादी पछी सौ प्रथम मित्रों 1955 में पहलू कायदा पंच आव्यु, प्रथम कानून आयोग नी रचना करवामां आवी हती अने जेना अध्यक्ष हता एमसी सेतलवाड, कि जे आपणा प्रथम एटर्नी तरीके पण आपणे एने याद राख्या छे। तो प्रथम कायदा पंच 1955 जेना अध्यक्ष हता एमसी सेतलवाड, त्यारबाद बीजू कायदा पंच आव्यु हतु वर्ष 1958 में अने जेना अध्यक्ष हता वेंकटरामन अय्यर। कोण हता भाई? 1958 ना कायदा पंचना अध्यक्ष वेंकटरामन अय्यर। अने त्यार बाद मित्रों त्रीजू कायदा पंच आव्यु 1961 में जेना अध्यक्ष स्थाने हता जेएल कपूर, अने चौथो कायदा पंच आव्यु 1964 में जेना अध्यक्ष पण जेएल कपूर हता। एटले अहींया आपणे आ तारवी शकाय मित्रों के बीजा अने त्रीजा आजादी पहला बीजा अने त्रीजा कायदा पंचना अध्यक्ष कोण हता भाई? लॉर्ड रोमिली। एम आजादी पछी ત્રીજા અને ચોથા કાયદા પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? જેએલ કપૂર। તો આ પણ આપણે ટ્રિકમાં એ તે ટ્રિક બની શકે। ત્યારબાદ અહીંયા તમને 1861 જોવા મળે, સામે ત્રીજા કાયદા પંચમાં 1961 જોવા મળે। તો આવી ટ્રિકથી પણ મિત્રો આપણે આ ટેબલને હજી વધુ સરળ બનાવી શકીએ। તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આ ટેબલથી તમને કાયદા પંચ વિશે અને કાયદા નહીં વર્ષ અને એના અધ્યક્ષ વિશેની માહિતી ક્લિયર થઈ હશે। હવે સાથે મિત્રો તમને એક પ્રશ્ન એ પૂછવાનો છે કે જ્યારે આપણો સીઆરપીસી કાયદો 1973 અસ્તિત્વમાં આવ્યો, પસાર થયો, અમલમાં આવ્યો, એવા સમયે કેટલામું કાયદા પંચ હતું અને એ કાયદા પંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા? આનો જવાબ તમે કમેન્ટમાં આપશો। અને હવે એક નવી ડિટેલ આપું છું કે જે આપણે આઝાદી પછીના પહેલા ચાર કાયદા પંચો જોયા અને હવે જો પ્રશ્ન પૂછાય કે હાલમાં કેટલામું કાયદા પંચ છે ભાઈ, તો કે હાલમાં છે 21મું કાયદા પંચ। કેટલામું કાયદા પંચ છે ભાઈ? હાલમાં 21મું કાયદા પંચ, અને 21માં કાયદા પંચના અધ્યક્ષ છે જસ્ટિસ બલબીરસિંહ ચૌહાણ, જેને 2016થી આ કાયદા પંચના અધ્યક્ષ તરીકે નિમવામાં આવ્યા છે। જસ્ટિસ બી એસ ચૌહાણ જે 21માં કાયદા પંચના અધ્યક્ષ છે, અને એના પહેલાં આવેલું 20મું કાયદા પંચ કે જેના અધ્યક્ષ હતા ડીકે જૈન અને એપી શાહ બંને વ્યક્તિઓ। 20માં કાયદા પંચના અધ્યક્ષ ડીકે જૈન અને એપી શાહ। આશા રાખું છું મિત્રો કે આપ લોકોને આ માહિતી ક્લિયર થઈ ગઈ હશે। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો અને વિડીયોની લિંકને મિત્રો તમારા દોસ્તો સુધી, તમારા સ્નેહીજનો સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરીને એ લોકો તૈયારી કરતા મિત્રો પણ આ કડકડાટ કાયદો લેક્ચર સિરીઝનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવી શકે। મળીએ આવતીકાલે એક નવા જ કન્સેપ્ટ સાથે, એક નવા જ ટેબલ સાથે અને એક નવા જ કાયદાના રોચક તથ્ય સાથે। ત્યાં સુધીમાં તમે મિત્રો આ લેક્ચરનું રિવિઝન કરી લેશો, અને હા કે તમે અમારા વિડીયોમાં જો આજના લેક્ચરમાં તમે નવા હો તો તમે યુવા કરિયર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને નોટિફિકેશન બટનને ઓન કરી દેશો, જેથી કરીને મિત્રો અમારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને અગાઉથી મળી રહે અને તમે કાયદા વિષયનો અને સાથે અન્ય વિષયોનો પણ ખૂબ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી શકો, સરળતાથી એ વિષયોને તૈયાર કરી શકશો। અને આ લેક્ચરને મિત્રો પીડીએફ સ્વરૂપે મેળવવા માટે તમે યુવા કરિયર એકેડમીની ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી લેશો। તો મળીએ મિત્રો આવતીકાલે એક નવા ટેબલ સાથે, કાયદાના એક નવા કન્સેપ્ટ સાથે। થેન્ક યુ સો મચ। જય હિન્દ, જય ભારત।